हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आपके लिए एक और चिकन का झटपट बनने वाला क्रिस्पी और डिलीशियस नाश्ता तैयार किया है, जो हम इसको स्टार्टर के रूप में खा सकते हैं और बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाला है। बस इसको मैरिनेशन का टाइम दीजिए आप। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट और अंदर से कितना ये एकदम नरम है। और इसको देखिए कितनी चमक है, इसके अंदर जो मॉइस्चर है ना वो पूरा है। आप इसको चटनी के साथ खाइए, देखिए बहुत ही टेस्टफुल ये एक डिश बनी हुई है। और आप इसे खाइए, एंजॉय कीजिए। अब हम इसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया स्नैक्स जो कि चिकन से बनेगा। ये हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। इसके लिए हम लोग इसकी तैयारी सबसे पहले शुरू करते हैं। इसको हमने पानी से तो वॉश कर लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे, एक चम्मच के करीब, और थोड़ा सा ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी इतना जो कि हमारे चिकन को अच्छी तरह डुबो ले। और जो हमने इसके अंदर सिरका और ये डाला है नमक, उसका सारा फ्लेवर हमारे चिकन के अंदर समा जाए। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं, आगे की तैयारी हम करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा चिकन कितना बढ़िया साफ हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने मसाले डालते हैं। एक छोटी चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, देगी मिर्च पाउडर, जिससे हमारा कलर बहुत बढ़िया आएगा। ये हमारी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे हम, आधी छोटी चम्मच डालेंगे हम भुने जीरे का पाउडर। हमने पहले नमक भी डाला था, अब इसके अंदर आधी चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे नमक, एक चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे बेसन, थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे एक छोटा चम्मच सोया सॉस, आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अब हम इस सबको मिक्स करेंगे। सारे मसाले हमारे मिल गए। अब हम एक चम्मच इसके ऊपर दही डालेंगे। एक बार हम फिर से इसको मिला देंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए इसी मैरिनेशन में छोड़ते हैं। ये देखिए हमारा चिकन मैरिनेट करे हुए 1 घंटा हो गया है। क्योंकि हमने आधे घंटा इसलिए कहा था, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसे ओवरनाइट भी रखें या 1 घंटा 2 घंटे रख सकते हैं। तो जितना हम इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही टेस्ट इसका बहुत बढ़िया आएगा। अब आप देखिए इसके अंदर एक चम्मच के करीब हम डालेंगे चावल का आटा, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। पानी हम इसे बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर आपको ज़रूरत है कि बहुत सूख गया है, वैसे जब हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं तो चिकन में पानी अपना थोड़ा बहुत छोड़ता ही है, क्योंकि इसमें मसाले सारे डले हुए हैं और नमक भी डला हुआ है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप डाल लें, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और एक बात कि आप जब भी इसके अंदर चावल का आटा डालें तभी डालें जब आपको फ्राई करना हो, पहले से डाल के ना रखें। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब हम एक एक करके अपने इसके अंदर पीसेस डाल रहे हैं। अब हम इसको देखते हैं, पलटते हैं। ये देखिए ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, कितना बढ़िया इसका कलर आया है। सारा चिकन जो है वो फ्राई होकर तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको तलना भी है, फ्राई भी करना है, और ये साथ साथ पक भी जाएगा। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। कोई भी चीज़ हम तलें तो उसको डालने के बाद, तेल के अंदर डालने के बाद हम उससे छेड़े नहीं। अगर हम बार बार उसको टच करते रहते, छेड़ते रहते हैं, तो वो चीज़ हमारी अच्छी तरह सिक नहीं पाती है। जब वो सिक जाती है अपने आप ही तले को छोड़ देती है। और ये देखिए हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरह सारे चिकन के पीसेस सिक गए हैं। गैस को हमने कर दिया है बंद, और हम इनको भी निकाल लेते हैं। ये लीजिए हमारा
झटपट और बहुत आसानी तरीके से बनने वाला चिकन का स्नैक जो हमने डीप फ्राई करके बनाया है, और बस थोड़ी देर इसको हमने मैरिनेट किया था। आपके पास जैसा टाइम है, जितना टाइम है उतना आप इसको मैरिनेट करिए। कम से कम इसको आपने आधे घंटे तो करना ही करना है, क्योंकि जो हम इसमें मसाले डालेंगे उसके अंदर जज्ब होने चाहिए मसाले। तो जो सबसे पहले हमने इसको सिरके के पानी में और नमक के साथ हमने इसको डिप किया था ओवर वाटर में, तो उससे इसकी एक चीज़ बहुत उभर कर आती है सामने कि हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट रहता है और इतना मॉइस्चर रहता है इसके अंदर, सूखता नहीं है बिल्कुल भी। खाने के अंदर ये बहुत ही लाजवाब लगता है। अगर आप ऐसे इसको एक बारी करके सिरके के अंदर डाल के रखेंगे और बनाएंगे कोई भी स्नैक तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, इसका कलर कितना अच्छा आया, क्योंकि ये हमारा सारा बोनलेस चिकन है। तो हमने इसको तला है, और तलने के बाद हमने इसको, ज़्यादा हमने इसको नहीं तला है, लेकिन ये है आटे के जो हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला था उसके अंदर वो डालने से इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो बढ़ जाती है। और ऐसी कई रेसिपी मैंने आपको चिकन की स्नैक्स की दे रखी हैं। तो चलिए अब हम इसको बना रहे हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम ऐसी ही चटपटी एक अगली रेसिपी में।